भरोसा कोई बखत का, नहीं भरोसा कोई बखत का। हो कदी उल्टी हो जा कहानी, राजा रावण का भी ना चलिया तो आप के हमारी औकात के इसी समय के पलड़े का ना मेरा कद किंगे ना लुढ़क जा। तो व्यक्ति को कभी भी अपने समय पे घमंड नहीं करना चाहिए। पहली बात के द्वारा बोला क्या बता दिया कवि ने। चंद्र भंगी के पिक गया टोटा सत्यानासी, मत ना बत पिक गई ब्राह्मण के रानी तो बनी दासी। डाल लई हां डाल लई विश्वा मित्र ने हसी के मफासी रे। डाल लई विश्वा मित्र ने हसी के उसने लगी बात जरा सी, उसने लगी बात जरा सी। ये करता ढोवे पानी राजा महाराजा होया करते थे, अपने वचन पे इतने अटल थे कि चाहे सारा राजपाट चला जाओ, सारी धन दौलत चली जाओ, कोई परवाह नहीं की। पर सिर्फ मकसद एक था कि अपने वचन पर अटल रहना। पर आज का तो ये जमाना है कि एक वचन भरेंगे तो दूसरे ना भूल जाएंगे। इतना लालची इंसान हो गया। तो दूसरी बात में कवि ने क्या बताया कि कैसे राजा होया करते थे उस जमाने के, बता क्या बता दिया। सत के कारण मर मिट गए, झूठ सहारा लिया नहीं, सुख के कारण दुख में डूबे एक ठाठ गुजार लिया नहीं। वो तो अपने वचन पे अटल रहेला, लचकाना रलिया नहीं, तन मन धन सब हिता पहला दिया एक ठाठ गुजार लिया नहीं। तन मन धन सब हिता पहला दिया ठाठ गुजार लिया नहीं। गलत इशारा दिया नहीं रे, गलत इशारा दिया नहीं।
ने बताया। क्या बात भाई जी, क्या बात। तीसरी बात में कवि ने बताया कि समय का कोई भरोसा ना, कद पलटी मार जा। आज जो अपने मन में करोड़पति बना डोले है, ऐसा भी समय आ जाए कि एक खाक खाक का हो जाए बिल्कुल। तो व्यक्ति को कभी इस बात का घमंड ना करना चाहिए कि मेरे घर पैसा है तो बस मैं ही सब कुछ हूँ, क्योंकि आज का तो वैसे ही कल्चर हो चुका है, जिसके पास पैसा है उसी को पूछते हैं। पर वो पैसा भगवान ने किस लिए दिया है कि कुछ दान पुण्य कर ले और अच्छे काम कर ले, पर सोच आज ये हो गई कि बैंक बैलेंस भर ले। तो तीसरी बात में भला कभी ने क्या बता दिया होगा। जिनकी कदर थी बड़ी अनमोली, वो कोटी के मोल हुए जो पर जाके सहारा थे, आज खुद ये डाम डोल हुए। लोगो कुस्मत के उन मरसा गल्या बहुत बड़े मखोल हुए, के बेरा था के बेरा था हन्यू पड़ जागी कृष्णा दत्त के मोल हुए। बोलनिए अने बोल हुए रे, बोलनिए अने बोल हुए, हुई अनोखी कहानी कर दियो तारने खातर देखो बिकके दिल पराई, कहीं भरोसा कोई वक्त का। सारी रागनी का निचोड़ कर दिया कि जो इस संसार में आया है उसका जाना निश्चित है, प्रकृति का नियम है कोई बदल नहीं सकता, और जो भगवान ने भाग्य में लिख दिया वो भी होना निश्चित है। चाहे कोई कितना ही हांगा ले लो, चाहे कितने ही पैसे वाला हो, जो किस्मत में लिख दिया वो होकर रहेगा। और यो तो परमेश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता तक भी हिल सकता ना, क्यों जब तक वो परमेश्वर चाहेगा तब तक वो पत्ता हिलेगा। अगर परमेश्वर की इच्छा के बिना अगर कुछ हिल जाए तो आदमी ना गम। मैं तो आखिरी बात में बोला क्या बता दिया कवि ने। गुरु मान सिंह कहे होनी आके, मान सिंह कहे होनी आके, कोई भी चारा चलता ना, जो किस्मत में है लिखा हुआ वो पखत का दे बिटलता ना। यो तो परमेश्वर की ही इच्छा के बिन पत्ता तक भी हिलता ना, कह लक्ष्मी चंदी बमण कुछ भी भागत चाहत मिलता ना, और कह लक्ष्मी चंदे बमण कुछ भी भागत चाहत मिलता ना। और आखिरी बात में कवि ने बड़ा ही प्यारा लिखा क्या, यो तो है फूल समय बिने खिलता ना रे, फूल समय बिने खिलता ना रे,